Hello students, today in this video I'll take the missing topics of verses, okay? And the first topic is non-contact verses. So let us start. What are the non-contact verses? As its name indicates that verses in which there is no direct contact, okay, that is known as the non-contact verses. Let us understand it in another way. Just look at these balloons. This balloon is tied with a thread, and this another balloon is also tied with a thread. Now I will take these two balloons nearby them. मैं उनको टच नहीं करूंगी, मैं जस्ट उसके पास लेकर जाऊंगी. Then what happened? Now, when I take this balloon nearby this, मैंने इनको टच नहीं किया, बस जस्ट इसके पास लेके गई हूं. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया इसके बीच में. जस्ट लुक एट इट, है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा इनके बीच में. नो फोर्सेस देयर. बट नाउ आई एम डूइंग अ चेंज, अ लिटिल बिट चेंज. मैंने जो पिंक बलून लिया है यहां पर, उसको एक वुलन कपड़े से रब करना स्टार्ट कर दिया. देखो, वुलन क्लोथ से मैंने क्या किया, इसको रब किया. अब मैं इसके पास लेके गई और मैंने क्या देखा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गए. देखो, चिपक गए ना, अट्रैक्ट हो गए. ऐसे पहले तो नहीं हुआ था, बट जैसे ही मैंने इस बलून को एक वुलन क्लोथ से रब किया, एंड इट्स स्टार्टिंग अट्रैक्टिंग द ब्लू बलून. कैन यू सी इट? व्हाट इज दैट? दैट इज द फोर्स. Force of attraction. This force is known as the force of attraction because they both are attracting each other. Especially the pink one is attracting the blue balloon. What does it mean? क्या है ये? ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? पहले तो ये नहीं कर रहा था ऐसा, ये पिंक बलून. बट जैसे ही हमने इसको रब किया, तो क्या चेंज आ गया इसके अंदर? What the change develops in it, that is known as the electrostatic force, or you can say electrostatic charge. उस electrostatic charge की ही वजह से ये अब क्या कर रहा है यहां पर? Attraction. Okay? अब दोबारा से देखो, जैसे ही पिंक बलून को हमने रब किया, तो उसके अंदर क्या आ गए? चार्ज आ गए. चार्ज डेवलप्ड इनसाइड इट, एंड ड्यू टू दोस चार्ज, दिस अनचार्ज्ड बलून अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? दिस वाज अनचार्ज्ड एंड दिस गेट चार्ज्ड आफ्टर रबिंग द दिस blue balloon was uncharged and this pink balloon get charged after rubbing the woolen cloth. And हमने क्या change देखा? ये एक दूसरे की तरफ attract होने लगा, है ना? Now we will do one more experiment in it. अब हम ये जो blue balloon है, इसको भी क्या करेंगे? Rub करेंगे. Okay? अब भी हमने इसको क्या किया? रब किया. नाउ वी विल सी व्हाट हैपन. ये तो पहले से ही रब है, इस पे तो पहले से ही चार्ज है. अब ये भी चार्ज आ गया, अब इसके पास लेकर है, अब ये दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से. सो दैट इज नोन एज द रिपल्सिव फोर्स. ये कौन सा फोर्स आ गया अब इन दोनों के बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो हमने ये दो एक्सपेरिमेंट्स यहां पर किए हैं. द फर्स्ट वन वॉज द अनचार्ज था, और दूसरा क्या हो गया? चार्ज.
ये अनचार्ज था और सिर्फ हमने इसको चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ द वुलन क्लोथ रब करके. तो क्या हुआ इसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड फिर हमने क्या किया, इसको भी चार्ज किया, इसको भी चार्ज किया, दोनों ही बलून्स को मैंने चार्ज कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड हियर, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे. इट मींस दोनों के अंदर क्या आ गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्लियर? सो दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. The electrostatic force, now it's clear to you. By the way, first of all, electrostatic force is a non-contact force. ये क्या है, एक non-contact force. इसमें दोनों ही दूर हैं, बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी अपने आप ही. यहाँ पर दोनों ही बॉडी एक दूसरे से दूर है और दूर जाने की कोशिश करेंगे. दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जिसके अंदर क्या होगा, एक तो चार्ज बॉडी होगी ही होगी, इसमें भी इसमें भी. दूसरी अगर अनचार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. इफ द सेकेंड इज ऑल्सो गेट चार्ज देन इट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन. एम आई क्लियर? ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो आई होप दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नाउ क्लियर टू यू. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, do you found now that it is a non-contact force? Yes, it is a non-contact force because we have not touched them by our hand. They automatically, repulsion is there and attraction is there. Now we'll take some another example of the non-contact force, that is the electrostatic force. Aur aapko ye ghar par bhi karke dekhna hai. आप क्या लोगे, एक कॉम लोगे, जैसे इस बच्चे ने ले रखा है यहाँ पर कॉम, और अपने सिर पे इसने इसको रब किया. सिर पर रब करने के बाद इसने एक छोटे छोटे पेपर्स लेने हैं आपको और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकआउट करके और ऐसे रख देना है. जब आप क्या करोगे, इन इस कॉम को इस पेपर्स के पास लेकर आओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ये पेपर्स चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कैसे, आपने जब ये कॉम आपके हेयर पे रब की देन व्हाट हैपन, इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया. वो कौन सा चार्ज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. और जैसे ही आप उनको इन पेपर्स के पास लेके गए तो इनके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया. क्योंकि ये अनचार्ज बॉडी थी पेपर्स और ये क्या था, चार्ज था. तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गया. सो दिस इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स कम अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है इसके अंदर एक्वायर हो गया है, देखो बेटा, है ना. सो आई होप कि आपको जो है अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड प्रॉपरली, है ना. अब हम एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक दिस अ बार मैग्नेट. ओके, ये बार मैग्नेट है, दिस इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब इस बार मैग्नेट को आपने देखा ही होगा, आप शॉप से भी परचेज कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग डूइंग एन एक्टिविटी ओवर हियर. दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज एन आयरन नेल, आयरन की नील है ये.
Now we have started shifting this iron nail towards the, sorry, this bar towards the nail slowly slowly. But make sure ये इससे touch ना हो, थोड़ी सी दूर तक लेकर जाना है. And what we will see, it's stick to it, है ना? हम इसको बहुत ही इतनी पास भी नहीं लेकर आए थे. And it's starting sticking to it. Now, you can see it very clearly. जैसे हम इसको थोड़ा सा पास ले गए, हमने इसको टच नहीं किया कि ये जो नेल है ये इसको अट्रैक्ट हो गया. ये क्या है, क्या फोर्स लगा इसके ऊपर कि ये इसको अट्रैक्ट हो गया? That force is known as the magnetic force. ये कौन सा फोर्स है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स. When the bar magnet was sufficiently close to the nail takes a leap towards the magnet and stick to it. Yes or no? So ये हमें क्या बताता है कि ये क्या है? एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि हमने इसको टच नहीं किया आपस में, ये अपने आप ही टच हो गए. और वो किस वजह से टच हो गए? एक फोर्स इन दोनों के बीच में लगा है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. सो ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है हमारा? एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. एंड क्योंकि हम इनको इतना पास नहीं लेकर आए थे, जस्ट लुक एट दिस. मैं यहाँ पर एक देखो, हाथ में था ये बार मैग्नेट, और अब हाथ ये एक लॉकर है, ये लॉकर बना हुआ है आयरन का. तो ये इसको टच भी नहीं किया, इसका हाथ यहाँ तक पहुँचा भी नहीं कि ये जो बार है अपने आप इसके हाथ से खींच कर इसके ऊपर चिपक गया. देखो मैग्नेट ने इसको अट्रैक्ट किया, मैग्नेटिक फोर्स ने इसको अट्रैक्ट किया और ये मैग्नेट जो है इसके ऊपर जाकर चिपक गया. सो दिस इज द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. क्लियर? सो सेकेंड जो है हमारा वो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का सेकेंड एग्जाम्पल जो था वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. फर्स्ट वी हैव डन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज द सेकेंड वन, दिस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. क्लियर? अब हमारा थर्ड रह गया है बेटा, एक और फोर्स है हमारा जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो ये बॉल को इसने रिलीज किया और ये नीचे ही क्यों गिरी? जस्ट लेट्स लुक इट अगेन. इस बॉय ने ये बॉल जो है रिलीज की है एंड इट्स स्टार्टिंग फॉल ऑन ग्राउंड. Why? क्या हुआ ऐसा कि ये जो बॉल है वो नीचे ही गिरी अर्थ पे? Why? क्योंकि क्या अर्थ ने कोई फोर्स लगाया है बॉल के ऊपर? Yes. जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, that force is known as the gravitational force. Okay? The earth always आप कभी भी जंप करो आप नीचे की तरफ ही आओगे, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी का वो अर्थ ने आपको खींचा है नीचे की तरफ और उसी की वजह से ये क्या हुआ है? फोर्स जो है एग्जर्ट हुआ है किसके ऊपर? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. और यहां पर किसके ऊपर एग्जर्ट हुआ है? बॉल के ऊपर. ओके, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टैप. Can you see here? ये टैप जो है ओपन कर दिया और ये वॉटर स्टार्टेड फॉलिंग डाउनवर्ड. वाई? नीचे ही क्यों आ रहा है वॉटर? कहीं किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसी की वजह से जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है. तो यहां पर हमें क्या इसमें किसी कॉन्टेक्ट की जरूरत थी? क्या हमने कुछ टच किया पहले से ही? नो. सो इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ये लड़का जो है अर्थ पे टच भी नहीं हुआ है, इसका हाथ जो है अभी टच भी नहीं हुआ है कि बॉल जो है नीचे ही गिर गई. तो ये बिना टच हुए
एक अट्रैक्ट करना, डेट इज नोन एज द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो यहां से हमें क्या समझ में आया बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। एंड इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर फोर्स कहाँ से आया, वो अर्थ की ग्रेविटी है उसके अंदर से वो फोर्स आया है। सो वी हैव डन हियर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। द फर्स्ट वन वी हैव डन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द सेकेंड वन वॉज द मैग्नेटिक फोर्स एंड द थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमने जो है ये तीनों ही जो है यहाँ पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हमने समझ लिया है। ओके, नाउ वी विल डू प्रेशर एंड फोर्स, के प्रेशर और फोर्स हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेशर एंड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रेशर। सी दिस हैमर एंड दिस इज अ नेल। अब हम क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं और ये नेल जो है वॉल के अंदर जाती जा रही है। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंटेड है ये, क्या है यहाँ से पॉइंटेड है ना। बट अगर हम क्या करें, नेल को हमने उल्टा कर दिया, यानी कि जो यहाँ से फ्लैट सरफेस है इसको वॉल की तरफ कर दिया और ये पॉइंटेड सरफेस बाहर की तरफ कर दिया लाइक दिस, ये उसको उल्टा कर दिया। अब हम यहाँ से हैमर मार रहे हैं, सी हम फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तब भी ये अंदर नहीं जा रहा, क्यों है ऐसा, वाई? यहाँ पे हमने किया हैमर तो ये अंदर की तरफ चला गया, बट अगर हमने यहाँ पे मारना स्टार्ट किया तो ये एरिया जो है वॉल के अंदर नहीं गया। वाई वाई इज इट सम? यहां से हम पढ़ते हैं प्रेशर। अब ध्यान से देखो, यहाँ का जो एरिया है वो है, देखो यहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहां पर प्रेशर कम लग रहा है। यहां पर ज्यादा क्यों लगा, यहां पर कम क्यों लगा, दिस वी नीड टू स्टडी। ओके, सो लेट अस सी यहां पर प्रेशर ज्यादा क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर एरिया कम है। वो पॉइंट था ना, उसका एरिया बहुत ही माइन्यूट था। यहां पर प्रेशर ज्यादा क्यों लगा है, क्योंकि प्रेशर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर, ये फ्लैट नेल का ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक पॉइंटेड है। क्लियर और नॉट? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हम इसको पढ़ते हैं। जस्ट लुक एट इट, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स ओवर एरिया। यानी कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने नेल पे हम कर रहे थे। लेकिन एरिया क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर एरिया जितना लेस होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम इसकी एक बार एसआई यूनिट पे ध्यान देते हैं कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी। यहां पर देखो, परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसको पास्कल भी बोल देते हैं, इसकी यूनिट पास्कल भी होती है। क्यों? क्योंकि जो पास्कल है वो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिसने अपने नेम के ऊपर जो है इसको यूनिट दे दी प्रेशर को। क्लियर? दिस इज दैट साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, और इसके नाम से भी हम प्रेशर की यूनिट को कंसिडर करते हैं। सो देर आर टू एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर, द फर्स्ट वन इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज द पास्कल। ओके, नाउ प्रेशर और एरिया के बीच में क्या है, हमने बोला कि जितना आप एरिया कम रखोगे प्रेशर जो है ज्यादा होता जाएगा। चलो हम इसको मैथमेटिकल वे से देखते हैं। देखो आप, जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। एरिया,
एरिया यहाँ पर 5 है, देन वी हैव इंक्रीज द एरिया, देन वी हैव इंक्रीज 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया. अब प्रेशर देखो क्या आ रहा है, पहले 0.6 आ रहा है, फिर 0.5 हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया. यानी कि अगर हमने एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है. क्लियर और नॉट? यस और नो? यानी कि हमें एरिया को, अगर प्रेशर बढ़ाना है तो हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा, एरिया को हमें कम रखना पड़ेगा. चल तो अब हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने आयरन नेल का लिया था, हम उसको ध्यान से देखते हैं. यहां पर इस पॉइंट पर एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा लग रहा था और ये नेल जो है वॉल के अंदर जाता जा रहा था. बट इन दिस केस ये एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से अब प्रेशर जो है वो कम लग रहा है. क्लियर और नॉट? परपेंडिकुलर एरिया होता है. देखो अब ध्यान से देखो इसको, यस और नो? यानी कि एरिया अगर कांटेक्ट में जो है वो लेस है तो वहां पर जो है प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एरिया जो है वो ज्यादा है तो वहां प्रेशर लेस होगा. क्लियर? अब एक ड्रिलिंग मशीन देखते हैं हम, ये भी क्या करती है, वॉल में होल कर देती है. क्यों? क्योंकि आगे से पॉइंटेड है, पॉइंटेड है तो इसका मतलब इसका एरिया जो है वो कम है. अब एक इसका एग्जांपल आ जाता है नाइफ का. नाइफ क्या होता है, पॉइंटेड होता है, बहुत ही एरिया उसका पतला सा होता है, तभी वो इस साइड से ही वेजिटेबल्स को कट करता है. अगर आप नाइफ को ब्लंट साइड से कट करने की कोशिश करो वेजिटेबल्स को तो वो वहां से कट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द एरिया, है ना, बिकॉज ऑफ द एरिया. क्लियर? एरिया जितना रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा. वैसे ही ये आप एक्स ले सकते हो, ये ट्री को कट करती है क्योंकि इसका एरिया आगे से बहुत ही पॉइंटेड होता है, शार्प होता है. शार्प होने का मतलब क्या है, एरिया कम हो जाना, और इसी की वजह से क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. क्लियर? सो ये आपके कुछ मिसिंग टॉपिक्स थे जो कि वीडियोज में, पिछली वीडियोज में इंक्लूड नहीं हुए. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.